बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सभी देखने वालों का? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अच्छा जी, आज हम आपके लिए फिर एक मज़ेदार सी रेसिपी लेके आए हैं जो कि है बिहारी पसंद है। बिहारी पसंदे बनाने के लिए देखिए, मेरे पास ये हाफ के जी बीफ है जिसके मैंने अपने बुचर से इसके पार्चे बनवा लिए थे। आपको पता है पसंदे में पार्चे बनवा जाते हैं, उसके बाद मैंने इसको ला के और खुद भी जो है इसे मैंने कूट लिया है। तो अगर आपके पास वुडन हैमर है तो उससे कूटने, नहीं तो सिलबट्टे से कूटने जिसका आपको ईजी लगे, लेकिन इसको कूटिएगा जरूर। अब हम करेंगे क्या, इसमें डालेंगे देखिए एक कप के करीब जो है दही है हमारे पास, तो ये इसमें जाएगा सारा। उसके अलावा कच्चा पपीता है मेरे पास पिसा हुआ, ये एक टेबल स्पून है भर के, ये डालें। अच्छा, मुझे ज़रा जल्दी बनाना है तो मैं कच्चा पपीता इस्तेमाल करूँ। अगर आपको ओवरनाइट रखना है तो कच्चा पपीता आप उस वक्त इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, जब आप बनाएं तब इस्तेमाल कीजिएगा। उसके अलावा इसमें जाएगा एक टी स्पून अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट एक टेबल स्पून के करीब। धनिया पाउडर ये मैं इसमें डाल लेंगी, ठीक है जी। और ये हाफ टी स्पून हल्दी है ये मैं इसमें डाल लेंगी। उसके अलावा इसमें जाएगा एक टी स्पून के करीब रेड चिली पाउडर, ठीक है, और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। उसके अलावा इसमें जाएगा हाफ टी स्पून नमक। ये सारी चीज़ें डाल के हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमने ये सारे मसाले इसके अंदर चले मिक्स कर लिए हैं, इसको एक साइड पे रखते हैं। और कुछ ड्राई स्पाइसेस हैं जिनको हम आपको पैन में भून के दिखाते हैं, इसके बाद उसको ग्राइंड करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा जी, अब हम कुछ ड्राई स्पाइसेस लेंगे उनको। तो देखिए, ये मेरे पास खसखस है, ये एक टेबल स्पून है जिसको मैंने पानी में भिगो दिया था और इसको फिर स्ट्रेनर से छान के रख लिया था। तो ये एक टेबल स्पून मेरे पास खसखस है, मैंने इसको डालेंगे। थोड़ा सा जो है वो हम ड्राई रोस्ट करेंगे पहले सिर्फ खसखस को, ताकि अच्छी तरीके से इसका पानी वानी खुश्क हो जाए। ये देखिए, इसको हमने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया है, फिर इसका पानी वानी जो था हमने स्ट्रेनर में तो निकाला था, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत रह जाता है वो इस तरह से ड्राई हो जाएगा बिल्कुल। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे, देखिए ये है 2 टेबल स्पून जो है वो चने, ठीक है जी, रोस्टेड चने जो होते हैं वो इसमें डालेंगे। उसके बाद जाएगा इसमें 1 टीस्पून वाइट सीरा, उसके बाद जाएगा इसमें 1 टीस्पून ब्लैक सीरा, 6 से 7 लौंग इसमें जाएंगे। उसके बाद इसमें जाएगा देखिए आप 1 टीस्पून काली मिर्च और 6 से 7 प्याज। इन सबको हम अच्छी तरीके तवे पर ड्राई रोस्ट करेंगे। ये देखिए, सारे मसाले अच्छी तरह ड्राई रोस्ट हो गए हैं और बहुत अच्छी इसमें से जो है वो खुशबू आने लगी। अब हम फ्लेम को ऑफ करते हैं, इनको थोड़ा सा ठंडा करके पीसते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए, हमने जो मसाला ड्राई रोस्ट किया था उसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है, तो इस तरह से हो गया ही पाउडर शेप में। तो ये सारा मसाला जो है हम उसके अंदर डालेंगे। इसके बाद इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, उसके बाद इसमें जाएगा 1/2 कप के करीब तो जो है वो तली हुई प्याज हम डाल देंगे। और तकरीबन 1/2 कप के करीब ही हम इसमें डालेंगे देख सरसों का तेल। तो सरसों का तेल ज़रूर डालिएगा, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। करीब हमने इसमें डाल दिए, इसमें डालेंगे हम 1/2 लेमन। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से आप हाथ से मिक्स कीजिए और इसको तकरीबन 25 मिनट के लिए रख देंगे हम, क्योंकि हमने इसमें पहले से कच्चा पपीता वगैरह मिलाया हुआ है। और फिर आपको बता देंगे इसके साथ हम कैसे इसको पकाएंगे। अच्छा जी, अब हमने किया क्या, मैंने एक कढ़ाई ली, उसके बाद उसमें हमने देखिए 1 कप के करीब जो है वो ऑयल डाल लेंगे। हमने जो है अपना जो सारा मसाला लगा के रखा था आपके सामने गोश्त में, वो डालेंगे। देखिए, पहले हमने इसमें सारा अपना वो जो हमने अपने पसंदों का जो बना के रखा था गोश्त में, उसके बाद देखिए इसी डिश में मेरे पास मसाला था, मैंने थोड़ा सा पानी लिया और इसके अंदर इतना थोड़ा इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। देखिए इस तरीके से इसको कवर करेंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए, फिर खाते हैं 20 मिनट के लिए। 20 मिनट हो गए इसको पकते हुए और ये हमारा बिहारी पसंदे हैं जो बहुत मज़े से पक रहे हैं। आप देख सकते हैं इसके सारा तेल भी ऊपर आ गया है। अच्छा, इस पॉइंट पे अब आपने नमक चेक करना है, तो मेरे हिसाब से नमक थोड़ा कम है क्योंकि मैंने 1/2 टीस्पून डाला था, तो मैं 1/2 टीस्पून इसमें जो है फिर डाल दूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक
अब आप मज़ाक कर लीजिएगा, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और अब इसकी हम अच्छी तरीके से जो है वो भुनाई कर लेंगे। अच्छा, देखिए हमने इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर ली, आप देख सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे, हाफ मैंने पहले डाला था मेरे मिशन में और हाफ अब मैं डाल रही हूँ। इसके बाद देखिए ये मेरे पास 4 से 5 हरी मिर्चियाँ हैं जिनको मैंने बीच में से कट लगा ली, ये इसके ऊपर डाल दें हैं और थोड़ा सा फ्रेश पुदीना डाल दें। पुदीना डालने के बाद थोड़ा सा इसको जो है वो कवर करके दम पे लगाते हैं, फिर आखिर में हम इसको तोड़ने का दम देंगे। इसके बाद मिलते हैं आप। अच्छा जी, देखिए इसके बाद एक फॉइल की हम इसमें रखेंगे कटोरी, और मैंने पहले से जो है वो कोयले को ढका लिया है, भून इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। इसके बाद देखिए इसके ऊपर ऑयल डालें थोड़ा सा और इसे दम लगा के फिर हम अभी आप उसके बाद 5 मिनट दम देते हैं, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ बिहारी पसंद। हमारा जो है वो बिहारी पसंदे बनके तैयार ही, मैंने बहुत ही इजी करके आप लोगों को सिखाया है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर किया करें अपनी फैमिली फ्रेंड में, और वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें बेल के साथ, ताकि हर आने वाली इसी तरीके की मज़ेदार रेसिपी आप बआसानी देख सकें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आएंगे उसी तरीके की एक मज़ेदार सी रेसिपी लेके आप लोगों के लिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।